मैं मेरी बात आज शुरू करता हूं याद कर मुदस्सर को और सुहेल को, वो जो शहीद जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए कल अपनी जान दे दी। हमेशा हमें याद रखना होगा, हमें याद रखना होगा वो 20 से ज्यादा नौजवान जिन्होंने CENRC प्रोटेस्ट के वक्त अपनी जान दी। हमें याद रखना होगा हमारे मुदस्सर की मां को, उस मां ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि अगर मुझे कोई भी फिक्र नहीं है कि मेरे बेटे की जान गई है, मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपनी जान दी। हम सुना करते थे कि ऐसी माएं सिर्फ फिलिस्तीन में होते हैं, आज मुदस्सर की मां ने दिखाया ऐसी माएं इंडिया में भी होती हैं। हमें याद करना है आज एक CENRC और मुसलमानों की आवाज बनी हुई एक एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा का घर को आज बुलडोजर के साथ तोड़ा गया। सिर्फ आफरीन नहीं, इंडिया में और बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो आपकी आवाज बनकर दिन रात आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले उनके घर को बुलडोज किया जाता है, उसके बदले उन्हें UAPA डाला जाता है, उसके बदले उन पर NSA डाला जाता है। वो क्या बात कर रहे हैं? वो हेट स्पीच कर रहे हैं, वो नफरत की बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हक हमें है वो हक हमें दो, सिर्फ और सिर्फ ये हक की बात करने के लिए उनके घर को बुलडोज किया जा रहा है। इन्हें याद रखना जरूरी है क्योंकि यही वो लोग हैं, यही मुदस्सिर है, यही सोहेल है, यही आफरीन है, यही लोग हैं जो जेलों के अंदर है। इनके वजह से आज तक आपके और मेरे घर तक प्रॉब्लम नहीं आया, इनके कामों के वजह से आपके और मेरे घर सेफ है। हमेशा इन्हें याद रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए।